जैसे कि पहले भाई ने आपसे बोला कि हम वज़ीर-ए-आज़म के इस कागज से बहुत खुश हैं और मैडम साहब इस तरह भी इसने साथ दिया हुआ, तो बस डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। गवर्नमेंट में और आवाम में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि रेहड़ी बात नजर नहीं आनी चाहिए, क्या इन लोगों को एहसास है कि अगर रेहड़ी बात नहीं होंगे तो बेशुमार गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो अपने बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेंगे और अपने खानदान के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे। अगर हम रेहड़ी वालों पे ये इल्जाम है कि मार्केट में रश और गंदगी के जिम्मेदार हम रेहड़ी वाले हैं, तो फिर सरकार और दुकानदार मिलकर हमें निकाल क्यों नहीं देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम रेहड़ी वाल इनके कारोबार में इजाफा करते हैं। और दूसरा ये कि हम रेहड़ी वालों की वजह से मार्केट में बहुत से कस्टमर आते हैं, ये जो तजावजात उठाने की मुहिम चलाई जाती है वो कामयाब सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि रेहड़ी वालों से हर पार्टी अपना मफाद पूरा कर रही है। रेहड़ी वाल दहाइयों से मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे, चाहे कानूनी हैसियत में रहें या गैर कानूनी में, यह हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। जब सरकार हमें खत्म नहीं कर सकती तो हमें कबूल कर लें, मुआशे का जायज हिस्सा समझ कर, जो कि अब सरकार हमारे लिए कर रही है। और अगर सरकार हमें बाइज्जत रोजी कमाने का मौका देगी तो हम भी तआवुन करेंगे, जगह को साफ सुथरा रखेंगे और मुनासिब कीमत में अच्छी और मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तो आखिर में मैं ये बात कहूँगा जिन्हें सबसे पहले कहनी चाहिए थी, जया वाले साहब ये एक मसीहा है हम सब के लिए, एक बड़े भाई की तरह इन्होंने हमें डील किया, कोई भी मसला कोई भी बात कोई भी परेशानी हुई है हमने इनसे कही है और इन्होंने बड़ी अच्छी तसल्ली से सुनी है, यहाँ तक कि 10-10 लोग इनसे सवाल कर रहे हैं पूछ रहे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें, अगर ये फोकस पर्सन ना होते हैं प्रोग्राम के इनकी जगह कोई और होता है तो शायद हम लोगों में इतना हौसला इतनी हिम्मत ना होती। और इमरान खान साहब के लिए 75 साल तकरीबन पाकिस्तान को बड़े हो गए, इन 75 सालों में किसी ने भी नहीं सोचा कि गरीब रेहड़ी वाल इस मुल्क का इस सिस्टम का इस माशरे का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब हमें लीगलाइज कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इस चीज़ में कामयाब करे और अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।